दोस्तों, आज हम नारियल से ऐसा कप बनाएंगे जैसा आपने फ़ोटो में देखा। देखते हैं हम लोग ऐसा बना पाएंगे या नहीं। बच्चों ने ज़िद किया, इसलिए बच्चों की डिमांड पर आज ये हम नारियल को काट के कप बनाएंगे। ये नारियल है हमारे पास। अभी इस नारियल को हम पहले तो जो अंदर का पानी होता है उसे पेचकस से छेद करेंगे। छेद करने के बाद उसको हम इसका छेद से पानी अपने कप में निकाल लेंगे। चलिए धीरे धीरे करके इसको छेद करते हैं और इसके पानी को एक कप में निकाल के देखते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, देखते हैं हम ऐसा जैसा हमने फ़ोटो में कप देखा था बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। अभी हम निकाल रहे हैं नारियल से पानी और नारियल में छेद हुआ है कम, इसलिए पानी निकालने में हो रही है हमें दिक्कत। पानी निकलने के बाद हम रगमार्क से इसको रगड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ड्रिल मशीन है नहीं, घिसाई वाली मशीन, तो हम इसी से काम चलाएंगे। रगड़ने के बाद कुछ ये ऐसा दिख रहा है, कुछ कुछ उसका शेप आ गया, उतना चिकना नहीं हो पाया लेकिन कुछ कुछ शेप आ गया है, ऐसे ही देखने में लग रहा है। अब हम इसको आरी से कट करेंगे और इसमें बहुत मेहनत लगी काटने में। काटने के बाद जब हमने इस पर सरसों का तेल लगाया तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया, कुछ कुछ वैसा लुक आ रहा है। हम इसमें कप में डंडी नहीं लगा पाए क्योंकि उसमें काटने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसके लिए हमारे पास मशीन वगैरह चाहिए जिससे फिनिशिंग से कट पाए, इसलिए हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। और नीचे की गुलाई के लिए रोकने के लिए हमने नीचे सिक्का लगा दिया लोहे का। और ये कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, कुछ कुछ वैसे ही लग रहा है जैसा हमने फ़ोटो में देखा था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।